हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं प्रीवियस टू लेक्चर से। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। क्यों, तो किस तरह से टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमने जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो हमने देखा था कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और स्क्रोटम क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एब्डोमेन के अंदर भी टेस्टिस हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, टेस्टिस आर द स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन अ पेयर। टेस्टिस आर द स्मॉल ओवल लाइक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द एब्डोमन कैविटी। एब्डोमन कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं इन द स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम के अंदर। अब देखो, इसका जो साइज होता है टेस्टिस है वो बहुत छोटे होते हैं, 4 to 5 centimeter, 4 to 5 centimeter लेंथ इनकी होती है, 4 to 5 centimeter लेंथ होती है। स्मॉल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं मेनली, ठीक है। तो यहां पर अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक केविटी होती है बिटवीन द लेग्स बिलो द एब्डोमन, एब्डोमन के नीचे बिटवीन द लेग्स, यहां पर क्या है, एक केविटी है, इस तरह से स्किन की केविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ज्यादा ये डिफरेंशिएट नहीं होती एक दूसरे से दोनों चैंबर। तो दिस इज द स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक। ये क्या है, ये जो कैविटी यहां पे बनी है, यानी कि नीचे स्किन की एक फोल्डिंग से जो सैक चैंबर यहां पे बना है वो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो स्क्रोटम के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। टेस्टिस जो है दे प्रेजेंट इन स्क्रोटम। स्क्रोटम कैसे बना है, इट इज द मेडअप ऑफ, इट इज ए सैक और चैम्बर विच इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। स्किन भी हो सकती है वो थिन मेम्ब्रेन, स्किन की थिन मेम्ब्रेन से, एंड कुछ मसल्स होती हैं इनके अंदर, वो कौन सी होती है, डल्टोस मसल यहां पे होती है। कौन सी मसल होती है, डल्टोस मसल। तो यहां पे ये स्किन है, स्किन की फोल्डिंग से बना है, और इसके अंदर क्या होता है, डल्टोस मसल होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड देम, इनके अंदर टेस्टिस होता है, ये इनकी एपिडिडिमिस है, वासा डिफरेंस, इस तरह से यहां से वासा डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करती है, अंडरस्टैंड, ओके। इस टेस्टिस पे भी ऐसे ही होता है, एपिडिडाइमस देन वासा डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करेगी यहां पर। तो इस तरह से ये होता है स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर क्या क्या है, दिस इज द कैविटी इनसाइड द स्क्रोटम के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल सिलोम बोलते हैं। वेजाइनल सिलोम क्या है, कैविटी ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम की कैविटी होती है, दैट इज द विजाइनल
सिलोम। विजाइनल सिलोम क्या होता है? द कैविटी ऑफ स्क्रोटम। अब इस कैविटी के अंदर क्या होता है? टिश्यू होता है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? सराउंड द टेस्टिस। इस टिश्यू का क्या बोलेंगे? हाइड्रोसील। इन द विजाइनल कैविटी एक टिश्यू होता है हाइड्रोसील, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील, ठीक है ना। नाउ हाइड्रोसील है, उसके बाद में क्या है? एक लेयर है, यानी कि एक मेम्ब्रेन है, एक फोल्डिंग है स्किन की, जैसे कि जो कि इन बिटवीन द स्क्रोटम होती है, स्क्रोटम के बीचों बीच होती है, जो कि इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम, ओके। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं। अब देखो, एवरी टेस्टिस इज, हर एक जो टेस्टिस है वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से, फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है? सपोर्टेड होता है। और इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? ग्यूबरनेकुलम। तो ग्यूबरनेकुलम इज द टिश्यू, इज द फाइब्रस टिश्यू विच होल्ड द टेस्टिस इन देयर पोजिशन। ये क्या करते हैं? होल्ड द पोजिशन, होल्ड द टेस्टिस, टेस्टिस को होल्ड करते हैं, होल्ड द टेस्टिस एट देयर पोजिशन, ऑन देयर पोजिशन, यानी कि स्क्रोटम के अंदर इनकी पोजिशन को बनाए रखते हैं। तो वो कौन होता है? ग्यूबरनेकुलम होता है। एक और भी टिश्यू यहां पर काम करता है ग्यूबरनेकुलम के साथ साथ, स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि यहां पर ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक तरह से गुच्छा होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, इट इज ए थिक कॉर्ड, यानी कि एक मेडअप ऑफ किसका बना हुआ है? मेडअप ऑफ वासर डिफरेंस, आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज एंड ब्लड वेन्स, ठीक है। तो क्या होता है? टेस्टिस के अंदर जो ब्लड लेके जाती है, जो आर्टरी टेस्टिस से जो ब्लड लेके आती है, जो वेन्स, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी जितनी भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं होती हैं, चाहे वासा डिफरेंस हो, चाहे वो कोई ब्लड वेसल हो, चाहे वो कोई आर्टरी हो, चाहे वो कोई वेन हो, चाहे वो कोई कैपिलरी हो, वो सारी की सारी एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर के अंदर से जाती है, इनकी सारी की सारी इकट्ठी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उन सारी इकट्ठी को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड भी क्या होता है? एक तरह से हैंग आउट रखता है उसको, मतलब हैंगिंग अप रखता है किसको? टेस्टिस को। ये भी क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है? इट हैंग्स द टेस्टिस ऑन देयर पोजिशन। तो यहां पर पोजिशन को मेंटेन करने वाले दो चीजें हो गई है, एक तो दिस टिश्यू ग्यूबरनेकुलम एंड एक जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो ये दोनों क्या करते हैं? टिश्यू को, जो टेस्टिस को, उनकी पोजीशन पर बनाए रखती है। अब देखो यहां पर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसके अंदर एक और मसल होती है, क्रीमास्टर। कौन सी मसल होती है? क्रीमास्टर मसल होती है। क्रीमास्टर मसल होती है यहां पर। अब इन दोनों, अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, क्रीमास्टर मसल, यहां पे एक मसल आपने यहां पर पढ़ी थी डर्टोस मसल, इन दोनों का फंक्शन क्या है? तो स्क्रोटम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है कि किस तरह से स्क्रोटम होता है, उसके अंदर हाइड्रोसील होता है, टेस्टिस होते हैं, कौन उस टेस्टिस को उनकी पोजिशन पर मेंटेन रखता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वट इज द फंक्शन बिहाइंड ऑल दिस, कि इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है वहां पर, कि टेस्टिस के, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर जा रहे हैं।
तो उसका रीजन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होना वो क्यों होता है, टू प्रोवाइड टू बिकॉज द स्क्रोटम प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर, देखो स्पर्मेटोजेंसिस सीधा आंसर नहीं है, स्पर्मेटोजेंसिस मैच्यूरेशन और स्टोरेज तीनों के लिए हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेंसिस स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्म मैच्यूरेशन एंड स्पर्म स्टोरेज तीनों के लिए क्या होता है जो लो टेम्परेचर जरूरी होता है और वो लो टेम्परेचर है वो एब्डोमेन के अंदर प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, ये स्क्रोटम प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए क्या होते हैं टेस्टिस डिसेंड होते हैं। अब देखो जो टेस्टिस है वो डिसेंड कब होते हैं, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस की डिसेंडिंग होती है कब होती है, इट अकर्स सेवंथ और एट्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेवंथ और एट्थ मंथ पर क्या होता है जो बेबी होता है उसके अंदर जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस हो जाता है, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस अकर्स इन द सेवंथ और एट्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेवंथ और एट्थ मंथ के, कई बार क्या होता है ये डिसेंडिंग नहीं होती है तो उस टाइम में उस केस में क्या होता है फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, उसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोर, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं क्रिप्टोर किडिज्म, क्रिप्टोर किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टोर किडिज्म क्या होता है, द फेलियर द डिफेक्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फेलियर होना टू डिसेंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का डिसेंड हो ना हो पाना, यानी तो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या हुआ डिफेक्ट ड्यू टू द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, कि टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं हो सकते हैं फेल हो जाते हैं, टू डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फेल हो जाती है, उस केस में क्या होता है जो डिफेक्ट बनता है हमारा वो क्या रहता है क्रिप्टोर्किडिज्म बनता है, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या होता है, एक और डिफेक्ट होता है यहां पर देखो, वो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस है, ये तो क्या है कि अबाउट द स्क्रोटम एंड डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस के बारे में है। अब हमने क्या पढ़ना है, एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है, क्या है द पैसेज, ये यहां पर क्या होता है पैसेज होता है इनग्यूनल, इनग्यूनल कैनाल होती है, यहां पर एक इनग्यूनल कैनाल क्या होती है वो रास्ता होता है जिसके थ्रू जो टेस्टिस है वो डिसेंड करते हैं, ठीक है। इनग्यूनल कैनाल क्या होती है द पाथ थ्रू विच और द पैसेज थ्रू विच टेस्टिस डिसेंड्स, इनग्यूनल कैनाल इज द पैसेज फॉर टेस्टिस टू डिसेंड, द पैसेज फॉर टेस्टिस टू डिसेंड, द पैसेज फॉर टेस्टिस टू डिसेंड, डी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, टू डिसेंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करने के लिए टेस्टिस का पैसेज यहां पर जो रहता है वो क्या है इनग्यूनल कैनाल है। कई बार क्या होता है, अभी जो इनग्यूनल कैनाल होता है बेबी के बर्थ टाइम में यहां पे ये कैनाल होता है, उसके बाद में ये कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड अप हो जाता है, सम टाइम ये अच्छी तरह से पूरी तरह से फिल्ड अप नहीं हो पाता है, इन सम केसेस ये अच्छी तरह से इनग्यूनल जो यहां पर ये जो पैसेज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सारा यहां पर कनेक्टिव सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए जगह बचेगी, बाकी ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड अप हो जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत बार फिल्ड अप सही ढंग से नहीं कर पाता है,
तो उस केस में क्या होता है, द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, ओके, तो यहां पर क्या होता है, सम टाइम द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो लूप है, द लूप ऑफ इंटेस्टाइन इज पुश्ड इनटू और एंटर और पुश्ड इनटू इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल के अंदर लूप ऑफ इंटेस्टाइन आ जाती है, जिस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हार्निया बोलते हैं, इंग्यूनल हार्निया। और ये ज्यादा कोई डेंजरस कंडीशन नहीं होती, ये सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है इसको, यानी कि सर्जरी से रिमूव करके जो इंटेस्टाइनल लूप इसके अंदर आई है, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की लूप इसके अंदर एंटर कर गई है, पुश्ड अप हो गई है, अब इसको निकाल के यहां से, और यहां पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की जगह पे मैश जाली नुमा स्ट्रक्चर लगा दी जाती है, ठीक है, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाता है इसके पैसेज को, ताकि कोई भी इंटेस्टाइनल या एब्डोमिनल पार्ट है वो स्क्रोटम के अंदर एंटर ना करे थ्रू इंग्यूनल कैनाल। तो ये क्या है, इंग्यूनल हर्निया, जो क्या होता है, द एंट्री ऑफ और द इंटेस्टाइनल लूप जो है आर स्टार्ट टू एंटरिंग इन द इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल के अंदर एंटर करना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव्स इन द इंग्यूनल कैनाल आफ्टर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के डिसेंड होने के बाद में जो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव होती है टू क्लोज द इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो एक्सेसरी पार्ट्स है, उसके बाद में टेस्टिस की हम डिटेल स्टडी भी करेंगे कि किस तरह से इनके अंदर स्पर्म फॉर्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।